سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذونا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा का हमारा मुताला जारी था, आयत नंबर 67 से अपने मुताले का आगाज़ कर रही है। ये बात अर्ज की गई थी पिछली नशिस्त में कि यहाँ से जो मौजू हमारे सामने आएगा वो है अल्लाह सुबहाना व ताला का एक हुक्म और उस एतबार से गाय को ज़बह करने का मामला आया है। अल्लाह ने हुक्म दिया बनी इसराइल से कि गाय को ज़बह करो। मानने वालों का तर्ज अमल ये होना चाहिए कि अल्लाह का हुक्म आ गया, अब अमल कल गुजरे। लेकिन मामला ये पेश हुआ कि बनी इसराइल ने सवाल करना शुरू कर दिया, वे अल्लाह के हुक्म पर बेचूं चरा अमल करने के बजाय सवालात हैं कि जिसका आगाज उन्होंने शुरू कर दिया। और ये मामला पिछली उम्मतों के एतबार से रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि पिछली उम्मतें कसरत सवाल और अपने अंबिया से इख्तलाफ की वजह से हलाक की गई। एक बंदे मोमिन का, अल्लाह को मानने वाले का तर्ज अमल क्या होना चाहिए? जिस तरह आर्मी डिसिप्लिन के अंदर ये बोला जाता है, देयर इज नॉट द रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई। ये क्या, क्यों, कैसे, ये सवालात अल्लाह सुभाना व ताला के अहकाम के एतबार से कतान बंदा मोमिन को जेब नहीं देते। जो अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह का हुक्म आ गया, अमल कर दे गुजरो। ये तर्ज अमल असल में शैतान का तर्ज अमल है। और ये सूरह बकरा के अंदर हमने इस बात को समझा था कि जब शैतान को अल्लाह ने हुक्म दिया तमाम फरिश्तों के साथ कि आदम को सजदा करो, तो वो सवालात करना शुरू हो गए कि अल्लाह मैं क्यों सजदा करूं, और फिर अपने सवालात के एतबार से दलाइल भी देना शुरू हो गए। यही तर्ज अमल है कि जो बनी इसराइल ने भी इख्तियार किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह सुभान व तआला ये वाकया हमें क्यों सुना रहा है? अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि गाय ज़बह करो, कौम ने सवाल करना शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम वो सवाल लेकर रब के हुजूर हाजिर होते और अल्लाह उनका जवाब देते। ये वाकया मुझे और आपको क्यों सुनाया जा रहा है? तो इस बात को समझ लीजिए कि हमारा तर्ज अमल वो एक बंदा मोमिन के एतबार से होना चाहिए। और वो क्या है कि अल्लाह का हुक्म आ जाए तो वो काम कर गुजरो। हम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की जिंदगी का जब जायजा लेते हैं तो वहां पर हमें सवालात बहुत कम नजर आते हैं। जो सहाबा ने नबी रहमत अलैहिस्सलाम से सवालात किए हैं उनकी तादाद बहुत कम है, लेकिन अगर अमल को देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम आज के माशरे को देखें तो आज सवालात की कसरत है, लेकिन आमाल की तरफ अगर हम देखते हैं तो वहां पर बहुत कमी है कि जो हमें नजर आती है। गुया यही वो हालात और मामलात हैं जिसके एतबार से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें पहले मुतवज्जा कर दिया कि तुम लाजमन अपने से पहलों के तौर तरीकों के मुताबिक अमल करोगे, लाजमन उनके नक्शे कदम पर चलोगे। गुया ये आगाह कर दिया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। अब मामला क्या पेश आया है? वह इस काला मूसा लिकौमी, और याद करो जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से यानी बनी इसराइल से। अब ये कौन सा दौर है?
ये बनी इसराइल का वो दौर है कि जब फिरौन की गुलामी और उसकी जुल्म और ज्यादती से अल्लाह ने मोजजाती तौर पर आजादी अता की और पूरी की पूरी कौम ने देखा कि अल्लाह ने किस तरह फिरौन और आले फिरौन को समंदर में गर्क कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को समंदर को फाड़कर उसके दरमियान से निकाल दिया। फिर उसके बाद अल्लाह सुभाना व तआला ने बेतहाशा नेमतें अता फरमाई, वो बदलियों के साए भी आ रहे हैं, मनो सलवा भी नासिल हो रहा है और 12 चश्मे भी जारी हो रहे हैं। फिर उसके बाद अल्लाह सुभाना व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया और उसके बाद तौरात जैसी तालीमात वो भी अता फरमा दी। अब उसके पीछे जो तर्ज अमल पेश आया उस कौम का कि वो बुध उन्होंने बछड़े की परस्तिश करना शुरू कर दी बुध बनाकर। अब उसके बाद अल्लाह सुभाना व तआला का ये हुक्म आ रहा है और वो क्या है, वो इस काला मूसा ली कौमी थी और याद करो जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से इन्नल्लाह यअमरुकुम अन तस्बहू बकरा, बेशक अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें कि ज़बह करो एक गाय। अब देखिए मामला यहां तक था, मूसा अलैहिस्सलाम आए कौम के पास और हुक्म दिया कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय को ज़बह करो, बस ये हुक्म था। तर्ज़ अमल होना क्या चाहिए था कि कौम आमन्ना व सद्दकना करते हुए समेना व अताना की रविश इख्तियार करती और उसके बाद वो अमल कर गुजरती, गाय को ज़बह कर देती। लेकिन जरा कौम का तर्ज अमल देखिए, काल व तत्तखिज़ूना हुज़ूआ, उन्होंने कहा कि आप कर रहे हैं हमसे मजाक। अब ये बात क्यों आई, इस बात को समझ लीजिए कि जब कोई कौम गुलामी की जिंदगी गुजारती है तो अगर उसका वजूद आजाद भी हो जाए, उसका जिस्म आजाद भी हो जाए, लेकिन जो जहनी गुलामी होती है उस जहन से गुलामी को निकालने में बड़ा अरसा लग जाता है। वो इंसान जिस्मानी तौर पर तो आजाद हो जाता है लेकिन जहनी गुलामी जो है उसको खत्म होने में सदियां लग जाती है। यही कुछ तरह से अमल बनी इसराइल के साथ पेश है। वो फिरौन और आले फिरौन की गुलामी के अंदर थी और उस कौम के अंदर गाय का तकद्दस मौजूद था, वो गाय को पूजा करते थे, मुकद्दस समझा करते थे। ये वो तस्वुरात थे कि जो बनी इसराइल के जहन के अंदर भी बैठ गए। अरब वो फिरौन की गुलामी से तो निकल कर आ गए लेकिन वो गुलामाना सोच भी उनके अंदर मौजूद थी और कुछ ना कुछ जहन के अंदर वो गाय का तकद्दस मौजूद था, तभी गाय की मूर्ति बनाकर उसकी परस्तिश शुरू कर दी थी। ये वो तर्ज अमल। अच्छा, बात अगर समझ नहीं आ रही तो हम अपना जायजा ले लें। आज हमें हिंदुओं से अलग हुए हुए आजाद हुए हुए कितना अरसा हो गया, तकरीबन 74-75 साल हो गए, लेकिन जहनी तौर पर आज हम अब तक गुलाम। आज अंग्रेजों की नक्काली करकर हम अपने आप को बड़ा आला समझते, आज हम उन्हीं के ड्रेस कोड को आला तरीन ड्रेस कोड का दर्जा देते। ये सब क्या है, ये सब जहनी गुलामी का नतीजा है। आज उनके तौर तरीके अपनाकर हम अपने आप को समझते हैं कि हम बड़े काबिल हो चुके हैं, बड़ा आला मर्तबा हम हासिल कर रहे हैं। फिर वो हिंदुआना रसूमात हमारे कल्चर के अंदर, हमारी खुशी गमी के अंदर आज भी मौजूद है। ये वो असरात हैं कि जो गुलामी से निकलकर जहनी गुलामी में पड़ जाना, ये वो मामला था। यही कुछ बनी इसराइल के साथ पेश आया। अब जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि गाय का ज़बह करो तो वो फौरन सवाल करने लगे, आप तो मजाक कर रहे हैं हमसे, भैया ये कैसा हुक्म अल्लाह सुभाना होता। दिल में चोर मौजूद था ना, गाय की मोहब्बत। अगर आज कोई हिंदू मुसलमान हो जाए तो ठीक है, मुसलमान हो गया, यकीनन वो शामिल होगा सारे मामला नॉन मुस्लिम, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक चोर मौजूद होगा और जब बकरईद कुर्बानी का मौका आएगा तो वो हत्तुल इम्कान कोशिश करेगा कि गाय ज़बह ना करे, बकरा ज़बह कर दे, ऊंट ज़बह कर दे। क्यों? क्योंकि वो एक अरसा है कि जो उसकी मोहब्बत में गुजरा है। अब ये वो कैफियत है। काल हुआ अतत्तखिज़ूना हुज़ूआ, उन्होंने कहा कि क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। काल अऊज़ु बिल्लाहि नकूना मिनल जाहिलीन, मूसा अलैहि सलाम ने कहा मैं पनाह मांगता हूं अल्लाह की कि मैं मजाक करके हो जाऊं जाहिलों में से।
गोया नबी कौम के साथ मजाक करेगा, नबी कौम के साथ ऐसी लायानी किस्म की कोई बात करेगा, तो अल्लाह मुझे माफ रखे, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं, मैं मजाक करके जाहिरों में सुन रही, तो जाहिरों का तर्ज़ अमल, अंबिया की तो बात, अंबिया की तो तालीमात बड़ी सीरियस हुआ करती है, बड़ी अहम हुआ करती है, जो मिन जानिब अल्लाह है। नबी तो कहते हैं उसको है कि जो खबर पहुंचाने वाला होता है, नबा खबर, खबर पहुंचाने वाला नबी, तो नबी तो अल्लाह की तरफ से पैगंबर है, अल्लाह की तरफ से खबर पहुंचाने वाला है, तो वो कैसे हो सकता है कि वो मजाक करे या वैसे ही कोई बात करे। काल उदू लना रब्बक, कहने लगे दरख्वास्त कीजिए हमारे लिए अपने रब से, युबैजिन लना मा हिया, वो वाजे करे हमारे लिए क्या है वो गाय। अब देखिए यहां से सवालात का सिलसिला शुरू हो गया। बस औकात हम कुरान हकीम पढ़ते हैं, पढ़कर निकल जाते हैं और हमें एहसास नहीं होता, और हम सोचते हैं ये तो अल्लाह सुभान व तआला बनी इसराइल के वाकयात हमें सुना रहा है, लेकिन कभी गौर व फिक्र करें, अपने मामलात को देखें, अपने हालात को देखें, कभी खुशी का मौका आ जाए तो सुन्नत की तालीमात को देखें, कभी गमी का मौका आ जाए तो सुन्नत की तालीमात को देखें, और वहां पर आप अपने आप से सवाल करें कि क्या वाकयतन यहां पर शरीयत के हुक्म के मुताबिक मैं अमल करने के लिए तैयार हूं, या मेरे जहन में भी सवालात हैं कि जो पैदा हो रहे, या मैं भी सवालात की शादी है, अल्लाह ने मुझे मालो दौलत दिया है, पहली घर की शादी है, क्या मैं ऐसे ही कर दू, मस्जिद में जाकर निकाह करूं, वहां से रुखसती कर दू, मोहल्ले वालों को, खानदान वालों को पता ही ना चले कि जी हमारे घर में भी कोई शादी हुई। ये वो सवालात है जो हमारे माशरे के, हमारे दौर की चीज है, हमारे जहनों में भी आते हैं। अल्लाह ने मना कर दिया, सूद हराम है, अब हम सवाल करते दौड़ते हैं कि अच्छा क्या करें, हम बड़ी मजबूरी में हैं, थोड़ा सा कर्ज लेकर कर दे फिर हम दे देंगे, या चले माल रखवा देते हैं, सूद का पैसा आएगा तो अब क्या करें, चले थोड़ा सा ये कर लेंगे, थोड़ा मतलब सवालात पहले जनरेट होना शुरू हो जाते हैं हमारे। अच्छा हमारा भी ये तर्ज़ अमल, यही तर्ज़ अमल बनी इसराइल का अल्लाह ताला हमें दिखा रहा है, और ये इसीलिए दिखा रहा है कि देखो बचो इस तर्ज़ अमल से, अपने आप को बचाओ इससे अपने आप, और तुम्हारा तर्ज़ अमल तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा होना चाहिए कि जब अल्लाह ने उनको हुक्म दे दिया कि अपने बच्चे को कुर्बान कर दो, अब सारा बताइए इससे बड़ा कोई हुक्म है, यहां पर तो हुक्म आ रहा है गाय को कुर्बान कर दो, और वो सवाल कर रहे हैं जरा अल्लाह से उस गाय के बारे में तो पूछिए, और उधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बेटे की कुर्बानी का हुक्म आ रहा है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के सामने रख रहे हैं तो जनाब इस्माइल क्या कह रहे हैं, कालू सतजदूनी इंशाअल्लाह मिन साजिदीन, आप कर गुजरिए जो कुछ आपको हुक्म दिया गया है, अगर अल्लाह ने चाहा तो हमें साबित कदम पाए। ये वहां पर सवाल नहीं हो रहा की क्या की बात हो गई, बेटे को क्यों कुर्बान करें, ऊंटों को क्यों ना कुर्बान कर दे, जानवरों को क्यों ना कुर्बान कर दे, अभी क्यों कुर्बान करे, बाद वहां कोई सवाल नजर नहीं आता। तो यहां पर उनका मामला कि जरा अपने रब से पूछे तो कि वो वाजे तो करे हमारे लिए कौन सी गाय हमें कुर्बान करनी है। कौल इन्नहु यकूल, मूसा अलैहि सलाम ने कहा बिला शुबा अल्लाह फरमाता है, इन्नहा बकरतुल ला फारिदु वला बिक्र, बेशक वो गाय ना बूढ़ी हो ना बच्ची हो। अब सवालात करने से इंसान और फंसता चला जाता है, इसलिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल हुआ करता था तो आप उस दौर में सवालात के करने को नापसंद करार दिया करते थे। एक मौके पर हज की फर्जियत का हुक्म है कि जो नाजिल हो रहा है आप लोगों के सामने बयान कर रहे हैं कि जनाब अब हज फर्ज हो चुका, एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हर साल हज फर्ज है? आपने उनको नेग्लेक्ट किया और आपने मुंह फेर कर फिर लोगों से वाज़ नसीहत शुरू कर दी। वो फिर खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हर साल हज फर्ज है? आपने दूसरी मर्तबा भी उनको नजरअंदाज किया, जब वो तीसरी मर्तबा खड़े हुए तो आप गुस्से से बोले कि तुम क्या चाहते हो, अभी अल्लाह के अहकामात नासिर हो रहे हैं, अगर मैं हां कर दूं तो तुम्हारे लिए उसको तहम्मुल, उसको अदा करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए। अगर हर साल हज फर्ज हो गया, यहां तो पूरी जिंदगी में एक मर्तबा हज करना कितने लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, जबकि मालो दौलत अल्लाह ने, पूरी दुनिया घूमती है, वर्ल्ड टूर भी हो रहा है लेकिन हज नहीं कर पाते। तो ये वो कैफियत,
तो अब यहां पर मामला क्या पेश आ रहा है, अल्लाह ने हुक्म दिया कि ठीक है अब तुम जरा सवाल कर रहे हो तो फिर ठीक है, अल्लाह ने उसका जवाब दे दिया, ना बूढ़ी हो ना बिल्कुल बच्ची हो, कोई जवान गाय है कि जिसको कुर्बान करना है, अवानुम बैना जालिक औसत उम्र की हो इनके दरमियान, फफअलू मा तुअमरून तो करो जो तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है, करो ना उसको, दरमियानी उम्र की जवान गाय हो उसको कुर्बान कर दो। قالوا ادعوا لنا ربك फिर वो कहने लगे दरख्वास्त कीजिए हमारे लिए अपने रब से, यबयिन लना मा लहू नुहा तो वाज़ह करे हमारे लिए कि उसका रंग कैसा हो। ठीक है सवाल कैसे जी, अब उसका जरा रंग भी पूछिए उसका रंग कैसा हो। قالوا انه يقول तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा बिला शुबा वो फरमाता है انها بقرة صفراء बेशक वो जर्द रंग की गाय है, फाकिउन लौमहा गहरा है उसका रंग, तसुरु नाज़िरीन भरी लगती है देखने वालों को। अब सवालात करने का नतीजा क्या निकला, जितना सवाल करते चले जा रहे हैं अल्लाह मखसूस उस गाय तक पहुंचाता जा रहा है जिसका खास तकद्दुस उनके दिलों के अंदर मौजूद, खास तकद्दुस, जवान गाय होनी चाहिए, उसका रंग अल्लाह सुबहाना व तआला ने वाज़े कर दिया जर्द रंग होना चाहिए, खूबसूरत देखने वाले को भली लगे। قالوا ادعوا لنا ربك कहने लगे दरख्वास्त कीजिए हमारे लिए अपने रब से, यबयिन لنا ما هي वो वाज़े कर दे हमारे लिए क्या है वो गाय। अब जब इंसान के दिल में चोर होता है अमल नहीं करना चाहता तो सवाल दर सवाल है कि जो करता चला जाता है, अमल करने वाला फिर सवाल नहीं करता, ज्यादा सवालों में नहीं पड़ता, यही वो कैफियात है कि जो बस औकात पेश आती है इज्तमाइयत के अंदर, कि जो दीन के काम के अंदर लगा होता है, जो सिंसियर लोग होते हैं, जो वाकईतन इलाहियत के साथ काम करने वाले लोग होते हैं, जो अल्लाह के लिए अपना तन मन धन लगाने के वाले लोग होते हैं, वो नहीं सवाल करते कि हालात क्या हो रहे हैं, इज्तमाइयत में क्या हो रहा है, क्या इख्तलाफात हो रहे हैं, क्या मामलात हो रहे हैं, बस उन्होंने अपने आप को खपाया हुआ लगाया। लेकिन हर वो शख्स कि जिसके ऊपर दुनिया की मोहब्बत गालिब आ जाती, माल की मोहब्बत, दीगर मोहब्बतें गालिब आ जाती और उसके कदम रुकना शुरू हो जाते हैं, यानी वो इस दीन के काम के अंदर वो पीछे हटना शुरू हो जाता है, अब उसके सामने सवालात देते आशा खड़े हो जाते, अब जरा सा भी कोई बात होगी तो उसको बहाना मिल जाता है, देखें ये हुआ ना इस वजह से अब हम काम नहीं कर सकते, ये हुआ ना अब हम इस वजह से हमें इश्काल पैदा हो गया, ये हुआ ना इसलिए हमें शक पैदा हो गया कि जी अब काम करें कि नहीं करें, ये हुआ ना तो हम सोच रहे हैं कि पता नहीं ये रास्ता सही है भी कि नहीं, अब ये वो कैफियत के लिए शुरू हो जाता। तो ये तर्ज अमल बनी इसराइल का था, उन्होंने दोबारा अल्लाह सुबहाना व तआला के हुजूर सवाल भिजवा दिया कि जरा वो हमारे लिए और भी इस गाय को वाज़े करे, अल्लाह ने कहा अच्छा चलो ठीक है, इन्नल बकरा तशाबह अलैना बेशक गाय मिलती जुलती है हमारे लिए, वइन्ना इंशाअल्लाह लमहतदून जरा अल्लाह से बाजे पूछे यार मिलती जुलती है अभी भी हम समझ नहीं पा रहे कौन सी गाय है, और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर उसके हुक्म को पूरा करने वाले होंगे। और बाज रिवायात के अंदर आता है कि जो इन्होंने इंशाअल्लाह कह दिया इस वजह से वो कुर्बान कर भी दिया उन्होंने, वरना वो जिंदगी भर सवाल पूछते रहते और अमल ना करते। قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلا شبہ وہ فرماتا ہے اِنَّهَا بَقَرَةُ لَا ظَلُولٌ تُثِيرُ الْعَرْضِ بے شک وہ گائے ہے جو سدھائی ہوئی نہیں ہے کہ جوتی ہو زمین کو، گویا ہل چلانے والی گائے نہ ہو، گویا بالکل فریش گائے ہو، اس سے محنت نہ وَلَا تَسْقِ الْحَرْثَ اور نہ ہی پانی دیتی ہو کھیتی کو، گویا نہ ہی وہ کولو کا بیل ہو جو کولو کے اوپر چلایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے پانی نکالا جاتا ہے، वो भी नहीं हो, गोया मुशक्कत के लिए उसको इस्तेमाल ना किया गया। अब ये वो बिल्कुल उस गाय तक पहुंच गए कि जो अल्लाह ताला चाहता था, मुसल्लमा तो लाशियाता फीहा वो बिल्कुल सालिम है और कोई ऐब नहीं है उसमें। कालुल आना जित बिल हक कहने लगे अब आप लाए हैं सही बात हमारे लिए, अब कुछ हमारे सामने बात वाज़े हुई। फज़बहुहा पर उन्होंने ज़बह कर दिया मुतय्यन गाय को, वमा कादू यफ़अलून और वो लगते ना थे ऐसा करते। वही अल्लाह का तफ़सीरा है कि जब अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया बिल्कुल वही गाय के जो जवान होगी
जो जर्द रंग की होगी, देखने में भरी लगेगी, जिसकी जो मेहनत का काम ना करती हो, ऐसी कोई बेहतरीन गाय हो कि जिसको लाकर आप अल्लाह के राह में कुर्बान करो। अब उसके बाद रुकू नंबर 9 के अंदर अल्लाह सुबहाना व तआला ने ये जो कुर्बानी कराई है, ये जो वाकया पेश आया, इसकी हिकमत भी बयान की। ये क्यों कुर्बानी करे? अल्लाह का हुक्म, गाय को जिबा करो। क्यों जिबा करो, क्या वजह है इसे? अल्लाह का कोई भी हुक्म हिकमत से खाली नहीं है, उसकी वजूहात हैं। अल्लाह तरबियत देना चाहता है, अल्लाह वाजे करना चाहता है, अल्लाह दिखाना चाहता है। तो ये जो वाकया पेश आया, इसकी तीन हिकमतें हैं कि जो बयान की गई। पहले का तस्किरा हम कर चुके, और वो क्या है कि जिस गाय का तकद्दुस उनके दिलों के अंदर मौजूद था, उस तकद्दुस को कुर्बान करने के लिए अल्लाह सुबहाना व तआला ने उस मखसूस गाय को कुर्बान करवाया। दूसरी वजह क्या थी? बनी इसराइल के अंदर कुछ लोगों में वाम आपस में झगड़ा हो गया, और इस झगड़े के नतीजे में एक शख्स कतल हो गया। अब नहीं मालूम कि इस मकतूल का कातिल कौन है। अब वहां पर मसला खड़ा हो गया, किसने कतल किया है इसको। अब वहां पर लोगों के अंदर मसले मसाइल खड़े हो गए। अल्लाह ने हुक्म दिया, ये जो गाय तुमने जिबा की है, इसका एक गोश का टुकड़ा उस मकतूल को मारो जिसको कत्ल किया गया, जो मुर्दा पड़ा है, वो खड़े होकर अपने कातिल का नाम बता दे। गोया उस कातिल की पहचान के लिए ये अल्लाह ने पूरा वाकया पेश किया। और तीसरी हिकमत ये है कि अल्लाह दिखाना चाहता है कैसे मरने के बाद अल्लाह खड़ा करेगा, जिंदा करेगा। वो जो कत्ल हो गया, अल्लाह उसको दोबारा खड़ा कर दिया, और उसने जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बता दिया। तो गोया ये तीन बुनियादी हिकमतें हैं कि जो अल्लाह सुबहाना व ताला इस एक वाकये के जरिए लोगों को दिखाना चाहता था। और यही वो अल्लाह सुबहाना व ताला की नेमतें थी, जो अल्लाह की इनायात, अल्लाह की नेमतें इस कौम के ऊपर। जरा तसव्वुर करें, एक मुर्दा जिसको गोश मारा गया, वो जिंदा हो गया, और जिंदा होकर उसने अपने कातिल का नाम बता दिया। जरा सोचिए कितना बड़ा मौजजा अल्लाह ने दिखा दिया। उसके बाद भी अगर अल्लाह सुबहाना व तआला का यकीन दिल के अंदर पैदा ना हो तो कैसी बदबख्ती की अलामत। तो ये वो कैफियात है कि जो अल्लाह बयान करता है। वो इस कतल तुम नफ्सा, और याद करो जब तुमने कतल किया एक शख्स को, फद्दरअतुम फीहा, फिर तुम बहम झगड़ने लगे उसके बारे में, वल्लाहु मखरिजु मा कुंतुम तक्तुमून, और अल्लाह जाहिर करने वाला था जो तुम छुपा रहे थे। फकुल नद्रिबुहु बिबादिहा, तो हमने फरमाया कि मारो इस मक्तूल को गाय के किसी टुकड़े से। कज़ालिका युहयी अल्लाहुल मौता, यूं जिंदा करता है अल्लाह मुर्दों को। व युरीकुम आयातिही, और वो दिखाता है तुम्हें अपनी निशानियां, लअल्लकुम तअक्लून, ताकि तुम अकल से काम लो, ताकि तुम अकल से काम लो। अब जरा सोचिए कि मेरा और आपका तो यकीन है ना कुरान हकीम की आयात पर। अगर आज हमारे सामने ये बात आ रही है कुरान हकीम के जरिए, तो हमारा तो ईमान मुकम्मल नहीं होता ना, जब तक हम इसके ऊपर यकीन वाला ईमान ना लें कि वाकईतन अल्लाह ने इसी तरह एक मुर्दे को जिंदा किया जिसने अपने कातिल का नाम बताया और वो दोबारा मर गया। गोया ये कुरान की निगाह से अगर हम देखें तो आज भी हमारे सामने ये मौजजात मौजूद है। आज भी हमारे ईमान की मजबूती के लिए इस कुरान की निगाह से ये गैबी हकायक अल्लाह ने हमारे सामने जाहिर कर रखे। आज अगर कोई कहे कि देखो उनके सामने तो ये मौजजात आए, हमारे सामने क्या मौजजात है? आज हमारे सामने मौजजा ये कुरान है कि आज ये अल्लाह का जिंदा कलाम जो मुझसे और आपसे मुखातब है और कौमों के हालात हमारे सामने पेश कर रहा है। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक, अब ताबीर खास के एतबार से तो तस्किरा बनी इसराइल का, लेकिन ये बात हम इससे पहले तफहीम के एतबार से समझ कर आ चुके कि कुरान हकीम सिर्फ उस दौर के लिए नाजिल नहीं हुआ, बल्कि ये कुरान हकीम आज मेरे और आपके लिए भी हिदायत की किताब है। ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ متقین صرف دور نبی میں نہیں تھے, یہ متقین قیامت تک آتے رہیں گے اور ہم سب اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, وہ ہمارے لیے بھی ہدایت۔ اب اللہ نے بیان فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک, پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بنی اسرائیل, और उसके बाद भी उनके दिल सख्त हो गए, उसके बाद भी अल्लाह पर वैसा ईमान लेकर नहीं है।
और आज ये मुझसे और आपसे भी अल्लाह मुखातिब। फिर सख्त हो गए तुम्हारे दिल इसके बाद, फहिया कल हिजारते औ अशद कसवा, फिर वो है पत्थर की तरह, ये इससे भी ज्यादा है सख्ती में। वइन्ना मिनल हिजारते लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, और बेशक पत्थरों में से यकीन ऐसे होते हैं कि बह निकलती हैं जिनसे नहरें। वइन्ना मिनहा लमा यशक्कु फयखरुजु मिनहुल मा, और बेशक उनमें से यकीनन ऐसे भी हैं जो फटते हैं तो निकलने लगता है उनसे पानी। गोया इंसानों के दिल सख्त हो जाया करते, और सख्त भी कितने पत्थरों से ज्यादा सख्त, वरना पत्थर तो ऐसे भी होते हैं कि गिरते हैं और फट जाते हैं, टूट जाते हैं, या पत्थरों के बीच से फटकर उसमें से चश्मे हैं कि जो जारी हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान का दिल है वो यकीनन उससे ज्यादा सख्त हो जाता है अगर जानते बूझते नाफरमानी में लग जाए। और ऐसा हो जाया करता है उम्मतों के साथ कि जब उम्मत के सामने अल्लाह के अहकाम आए और वो जवाल की कैफियत में चले जाएं, जानते बूझते अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करना शुरू कर दे, तालीमात के वाज़े हो जाने के बाद उसके ऊपर अमल ना करे, तो दिलों में सख्ती पैदा हो जाया करते, दिल सख्त हो जाया करते। और हदीस के अंदर आता है कि जब इंसान गुनाह करता है, इंसान गुनाह करता है तो एक रिवायत में आया उसके दिल के ऊपर सिया धब्बा है कि जो लगा दिया जाता है, तौबा कर ले वो धब्बा धुल जाता है, लेकिन तौबा ना करे गुनाह पर गुनाह करता चला जाए बिलाखिर उसका सारा दिल सिया हो जाता है। और एक और रिवायत में आया कि दिलों के ऊपर सख्ती आ जाती है या जंग लग जाता है, जिस तरह पानी पड़ने से लोहे पर जंग लग जाता है, और इस जंग को उतारने का जरिया क्या है, कुरान की तिलावत करो और मौत को कसरत से याद करो। यह है दिलों की सख्ती, और सबसे बड़ा अज़ाब अल्लाह सुभाना व तआला का यह दिलों की सख्ती है, दिलों की सख्ती। आज हमारे भी दिल सख्त हो चुके हैं, आज हम अपने हालात का खुद जायजा, आज हमारी आंखें कितनी नम होती हैं, आज हमारे दिल कितने लरजते हैं हालात को देखकर अल्लाह का डर अल्लाह के खौफ से, आज हमारे दिल भी सख्त हो चुके। तो ये वो कैफियत हैं कि जब उम्मत जवाल के दौर से गुजर रही हो और अल्लाह की किताब और तालीमात को पसे पुश डाल दिया जाए और उसके मुताबिक अमल ना किया जाए और दुनियादारी ही में मुलव्वस हो जाया जाए, तो उसका नतीजा ये निकलता है, मैं जो सर पर सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। आज हम अगर जायजा लें, आज भी तो दिलों के अंदर कहीं माल का बुत मौजूद है, कहीं कारोबार का बुत मौजूद है, कहीं औलाद का बुत मौजूद है, कहीं बीवी बीवियों का बुत मौजूद है, कितने किस्म के बुत हैं कि जो आज हम भी अपने दिलों में सजाए बैठे, हम नहीं चाहते उनको निकालना, हम नहीं चाहते उनकी ख्वाहिशात को तोड़ना और उनके पीछे अपने आप को लगाए बैठे। हदीस में आता है तईस अब्दुद दीनार अब्दुद दिरहम, हलाक हो गया दिरहम और दीनार का बंदा। आज हम माल की मोहब्बत में कैसे दीवाने हुए कि थोड़े मसाइब के हालात आए, आप देखिए कैसे दिलों की सख्ती थी। आज भी हालात है कि नहीं, इंसानियत रगड़ कर मर रही है और उसकी इलाज के लिए जो इंजेक्शन है वो लाखों में उसकी कीमत है कि जो पहुंचा दी, ये दिलों की सख्ती की अलामत नहीं है। अल्लाह ताला दिखाते हैं ना कैसे दिलों में सख्ती पैदा होती। आज वो अपने मुसलमान भाई की मोहब्बत दिल के अंदर मौजूद नहीं है, माल की मोहब्बत। ये क्या है, बस माल आना चाहिए, मौका लग गया ना, मौका मिल गया, ये माल कमाने का मौका है, अब माल कमाओ ज्यादा से ज्यादा। अगला मरता है तो मर जाए, उसकी मजबूरी, वो चाहे घर बार बेच दे, अपने बच्चे बेच दे, इसको कोई गर्ज नहीं। कितने वाकयात इन पिछले दिनों के मामलात में हमारे सामने है, कितने वाकयात, किस किस तरह लोग रगड़ते रहे, कहीं वो ऑक्सीजन का मामला, कहीं दवाइयों का मामला, और फिर इंजेक्शन का मामला, क्या कुछ होता रहा हमारे। ये वो दिलों की सख्ती है, ये वो दिलों के अंदर बुत मौजूद होते और उसके बाद नमाजें भी जारी। तो शायर सही कहते हैं ना, वो जो सर पर सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। नमाज तो पढ़ रहे हैं, माथे तो टेक रहे हैं, सजदे तो कर रहे हैं, लेकिन जो दिलों के अंदर बुत बनाए बैठे हैं उस बुतों के साथ कैसे इबादत हो। जो तर्ज़े अमल बनी इसराइल, वो जो बुत उन्होंने बना के रखे हुए थे बछड़ों के, जब तक उसको तोड़ा नहीं गया, उसको ज़िबा नहीं करवाया गया, तब तक इबादत हो ही नहीं सकती।
आज हमारा भी यही तर्ज अमल है। क्या तुम ये उम्मीद रखते हो कि वो यहूदी मान लेंगे तुम्हारी बात? अब मुसलमानों के साथ एक मामला ये था कि जो बनी इसराइल है या यहूद है, ये अहले किताब है, इससे पहले इनकी तरफ अंबिया और रसूल आए हैं, इनकी तरफ किताबें नाजिल हुई हैं, तो गोया ये तो हमसे ज्यादा करीब है मुशरिक के मुकाबले में। वो मुशरिकीन मक्का के जिनके पास इब्राहिम अलैहिस्सलाम तकरीबन 2500 बरस पहले आए थे, 2500 बरस का फर्क है जमानी एतबार से, और उधर ईसाई हैं, यहूद हैं, कि जिनके पास आज भी तौरात, ज़बूर, इंजील मौजूद है, जिनके पास आज भी अपने अंबिया और रसूल की तालीमात मौजूद हैं, तो ये तो हमारे ज्यादा करीब हैं और ये तो अल्लाह की तालीमात को मान लेंगे। अल्लाह सुबहाना व तआला ने कहा, मुसलमानों, क्या तुम ये उम्मीद रखते हो कि ये यहूद मान लेंगे तुम्हारी बात? वक़द काना फ़रीक़ुम मिन्हुम, हालांकि यकीनन एक गिरोह उनमें से है ऐसे लोगों का, यस्मऊना कलामल्लाह, जो सुनते हैं अल्लाह का कलाम, सुम्मा युहर्रिफूना, फिर बदल देते हैं उससे, मिन बादी मा अक़लू, इसके बाद के समझ लेते हैं उसे, वहुम यअलमून, जबकि वो जानते हैं। गोया जानते बूझते कलाम इलाही में तहरीफ का गुनाह है कि जो ये यहूद किया करते, बनी इसराइल किया करते। आज हम कुरान हकीम, अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया, आज हम कुरान के अल्फाज को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आज देखिए दीन की तालीमात का क्या बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। आज इसको ऐसी मोम की नाक बना दी कि हर चीज हलाल है, हर चीज की जा सकती है, इस्लाम का नाम लेकर इस्लाम की धज्जियां उड़ाई जाए कोई बात नहीं। आज हमारा भी तो यही तर्ज है, आज आपको ऐसे उलमाए सू भी मिल जाएंगे कि जो सूद की हलाल होने का भी फतवा देते हैं, शराब के हलाल होने का भी फतवा देते हैं, और सुअर के हलाल होने का भी फतवा देते हैं, मौजूद है आज, आप जरा सर्च करें नेट के ऊपर आपको मिल जाएंगे। बाकी बातें तो बड़ी दूर की हैं, ये वो बुनियादी चीजें हैं कि जो कुरान हकीम के अंदर जिसका तस्किरा है, बाकी तो तालीमात दूर की, बाकी तो वो कहते हैं कि जी कोई बात नहीं, लड़का लड़की अगर हाथ भी मंगा मिला ले तो क्या, साथ मिल भी ले तो क्या, आपस में एक दूसरे से इकरार कर ले तो निकाह भी हो गया, वो फिर क्या कुछ धची है कि जो उड़ाई जा रही है दीन के नाम पर। ये यहूद का तर्ज अमल था, जानते बूझते अल्लाह बयान फरमा रहा है, वो समझ लेने के बाद, वो जानने के बाद उसको बदल देते थे। आज जितने बड़े बड़े फितने पैदा हुए हैं वो सारे अहले इल्म जानने वालों की तरफ से पैदा हो, फिर वो फितने कादियानियत हो, वो फितने इनकारे हदीस हो, ये तमाम बड़े बड़े फितने देख लीजिए, ये वो कैफियात है, जानते बूझते जान लेने के बाद फिर ये फितने हैं कि जो बर्पा किए जाते हैं, अल्लाह ने महफूज रखे, बड़े शदीद फितने हैं, बिलखसूस ये कादियानियत का मामला कि जो अपने तौर पर भी चल रहा है और आलमी एतबार से भी एक भरपूर अंदाज में इसकी बम्बार्डमेंट है कि जो की जा रही है, और मुख्तलिफ जरिए से जांचा जा रहा है कि अभी मुसलमानों के अंदर कितना ईमान मौजूद है, देखा जा रहा है ये कितने जिंदा हैं। जिस तरह बसो औकात कहीं कोई खूंखार जानवर मरने लगता है, थोड़ी देर ढेर हो जाता है तो पत्थर मार के देखते हैं कि अभी उसके अंदर सांसें बाकी हैं कि नहीं है, करीब जाने की तो हिम्मत नहीं है, दूर से ही पत्थर मारते हैं, डंडे मार के देखते हैं कि अभी जिंदा तो नहीं है। इसी तरह आज मुसलमानों को ये फितने कादियानियत से हिलाया जाता है, देखा जाता है अभी कितना ईमान इनके अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला महफूज रखे, अल्लाह ताला हमें हालत इस्लाम में जिंदा रखे और ईमान की हालत में अल्लाह हमें मौत अता करे, वरना ये बड़े शदीद फितने हैं कि जो आज हमारे ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं, हमारे साथ जारी है। वो इज़ा लकुल लज़ीना आमनू, और जब वो मिलते हैं उनसे जो ईमान लाए, कालू आमन्ना, तो कहते हैं हम ईमान लिए, अब ये यहूद मुनाफिकी, अब ये इस्लाम का लिबादा उड़कर मुसलमानों में आ रहे, अब ये आज की तालीमात से जोड़ते जाए ना चीजों को, आज भी आपको आगे सिखाते हैं, देखो ये कितने अच्छे लोग हैं ना, ये अहमदी मुस्लिम ऐसे खामखा इनको बदनाम कर रहे हैं, इनके ऊपर ज़ियादती कर रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कभी आपको मौका लगा हो इनकी बातें सुनते, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बड़े अखलाक से पेश आते हैं, बड़ी मोहब्बत की बातें करते हैं, बड़ी अमन की बातें करते हैं,
हम भी तुम्हारी तरह है, हम भी मुसलमान हैं, हम भी अल्लाह को मानते हैं, हम भी मोहम्मद को मानते हैं। ये तो ज्यादती हमारे साथ के जो किया जा रहा है। तो वो कहते हैं कि जब वो मिलते हैं अहले ईमान से, कहते हैं हम भी ईमान ले। वो इज़ा खला बादुहुम इला बास, और जब तन्हाई में होते हैं उनमें से कुछ दूसरों के पास, अब जब अपने महफिल के अंदर होते हैं, कालू, तो वो कहते हैं अतुहद्दिसूनहुम बिमा फतहल्लाहु अलैकुम, क्या तुम बताते हो मुसलमानों को वो बातें जो वाजे की अल्लाह ने तुम पर। अब क्या है, अब वो कुछ कैफियत ना आपस में जब बातें होती है तो वो कुछ बातें भी करते हैं, कुछ बताते भी। तो मुसलमानों को वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर वाजे की है, लियुहाज्जुकुम बिहि इंदा रब्बिक, ताकि वो झगड़ा करे तुमसे उसके बाद साथ तुम्हारे रब के पास। वे बस औकात ऐसे मासूम लोग भी होते ना, कुछ मासूमियत में कुछ हकायक भी भूल जाते, कुछ हकायक भी बता जाते, तो बाद में उनको डांट पड़ती है कि ये कैसी बात तुमने वहां पर कर दी थी, तुम ये बात कर रहे हो ताकि वो हमारे खिलाफ दलील पैदा करें। अफलात आकिलून, तो क्या तुम समझते नहीं हो। अब अल्लाह का तबसरा सुनिए, औला यअलमून, और क्या वो नहीं जानते, अन्नल्लाह यअलमु मा युसिरून व मा युलिनून, कि अल्लाह जानता है उसे जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं, अल्लाह सब जानता है। कभी कभी जबान से निकल जाती है ना तकरीर में, सारे अज्ञानी बराबर है, किसी को किसी के ऊपर कोई फौकियत हासिल नहीं है। चर्च में ईद की नमाज पढ़ ली तो क्या हुआ, है ना, रिसेंट मामला। ये वो लोग हैं कि जिनके हाथ में हमने अपना निजाम दे रखा है, जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, जो हमारे ऊपर निजाम और कवानीन बनाने वाले हैं। कभी कभी इनकी जबान से हकायक भी निकल आते, वरना तो बड़े लिबादे ओढ़े होते हैं इन्होंने, लेकिन कभी कभी ऐसे हकायक भी निकल आते। तो फिर तन्हाई में जाते हैं तो फिर आपस में इसी तरह एक दूसरे को कैसी बात तुमने कर दी, अब देखो वावेला मच गया, मौलवी खड़े हो जाएंगे। ये वो कैफियत है, ये वो मामला है। अब जरा सोचिए, उस ज़हनियत को सोचिए कि जिसकी निगाह में तमाम मजाहब बराबर है, ये कैसी बात लेकर बैठ गए, तमाम मजहब, किसी मजहब को किसी मजहब पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। ये जुमले है, ये अल्फाज है असेंबली के अंदर बोले जाने वाले, वो असेंबली के जिसको 18 करोड़ आवाम ने मुंतखब किया है, उसके ये अल्फाज। और ये अल्फाज किसी एक शख्स के नहीं है, ये ना समझे बस एक शख्स के ऊपर लान तान करके बात खत्म हो जाए। उसकी हिमायत तमाम लिबरल पार्टियों ने की है, उसके इस जुमले की तमाम ने, गोया दीन दुश्मनी के अंदर सब साथ है, दीन दुश्मनी के अंदर सब साथ, आपस में बहसे कितने झगड़े क्यों ना हो, दीन दुश्मनी के अंदर सारे साथ है। दीन के एतबार से बात हो तो बस उसके अंदर सारे साथ है। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता करे, आमीन। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, औला यअलमून, क्या वो जानते नहीं, अल्लाह यअलमु मा युसिरून व मा युलिनून, और अल्लाह जानता है उसे जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। उसके बाद आज के दर्स की आखिरी दो आयात, बनी इसराइल के अवाम और उलमा का हाल, और फिर वही बात, ताबीले खास के एतबार से तो बनी इसराइल का तस्किरा, लेकिन ताबीले आम के एतबार से मेरे और आपका तस्किरा। जब तक हम कुरान हकीम को इस अंदाज में नहीं पढ़ते कि हम अपने आप को पखें इसके अंदर, जो हमारे असलाफ का तर्ज अमल था, हमारे असलाफ कुरान हकीम को आईने की मानंद लिया करते थे और अपना चेहरा कुरान में तलाश किया करते थे, अपने हालात, अपने अहवाल, अपना माशरा कुरान में ढूंढा करते थे कि कुरान हमें बताए क्या मामला, कुरान की निगाह से दुनिया को देखा करते थे, कुरान की ऐनक पहनकर दुनिया को देखा करते थे और वो हकायक थे कि जो हासिल किया करते थे। आज हमने इसको मुकद्दस किताब बनाकर बंद कर दी। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की अवाम और उलमा का हाल बयान करके हमारे हकायक खोल के सामने रख दिए। सबसे पहले वमिनहुम उम्मीयून ला यअलमून अलकिताब इल्ला अमानी, उनके अवाम का तस्करा करते हुए अल्लाह ने बयान किया, उनमें से कुछ अनपढ़ हैं जो नहीं जानते किताब को सिवाय झूठी उम्मीदों के, वइनहुम इल्ला यज़ुन्नून, और नहीं है वो इसके सिवा के बस गुमान ही करते। अब जरा बताएं, ये हमारी हकायक नहीं है कि और क्या है,
हमारी कितनी अक्सरियत है कि जो कुरान को जानती है, बहुत बड़ी अक्सरियत जो कुरान को पढ़ना भी नहीं जानती, और बहुत बड़ी अक्सरियत जो पढ़ तो लेती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उससे आगे नहीं जानती कि अल्लाह क्या क्या है। बस क्या है ये, अल्लाह ने बयान फरमाया इल्ला अमानी, सिवाय झूठी उम्मीदों के, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विशफुल थिंकिंग। आज आप किसी भी मुसलमान से उठाकर पूछ ले, भाई ये कन्हैया ये कहां जाएगा, कन्हैया लाल हिंदू है ना, कहां जाएगा, जहन्नम में। डेविड कहां जाएगा, क्रिश्चियन, जहन्नम में। और अब्दुल्ला कहां जाएगा, जन्नत में। और अब्दुल्ला बिन उबई कहां जाएगा, वो भी तो अब्दुल्ला था ना, कहां जाएगा, अब्दुल्ला था ना भाई वो भी। सवाल बनता है कहां जाएगा वो। तो ये वो चीज है, अवाम की अक्सरियत वो है कि जो पढ़ती नहीं है किताब को, जानती नहीं है किताब में क्या है, बस ख्वाहिशात, विशफुल थिंकिंग। ख्वार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में है, कुछ भी है मेरे मौला तेरी महबूब की उम्मत में। वो काली कमली वाला अपनी कमली में लपेट के सारे शराबी, जुआरी, जानी, राशि सबको उठाकर जन्नत में ले जाएंगे माजल। दुनिया के अंदर तुम इनको बराबर नहीं कहते, और आखिरत में अल्लाह सुबहाना बताला ऐसी ज्यादती करेगा कि अल्लाह ताला एक वो शख्स के जिसकी रातें अल्लाह के हुजूर सजदे में और गिड़गिड़ाते हुए गुजरती है, और एक वो शख्स जिसकी रात शबाब और कबाब में गुजरती है, अल्लाह दोनों को कल बराबर कर दे। कैसे नाइंसाफी की बात, ये आवाम का हाल है। और आज अक्सरियत हमारी क्या है, यही हाल है भाई। कहां जाओगे जन्नत में, जन्नत में मुसलमान है, कलमा पढ़ा जन्नत में जाता है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे, हदीस इसकी दलील देती है। हदीस में आता है कि जिस शख्स ने एक मर्तबा भी सबके दिल से कलमा पढ़ा बिलाखिर वो जन्नत में दाखिल होगा, लेकिन उससे पहले के हालात नहीं पढ़ते। अपने गुनाहों का अजाब जहन्नम में झेलने के बाद, अब जरा तसव्वुर कीजिए, मैं और आप माचिस जलाएं और उसकी आग पर अपनी उंगली रखकर अपने आप से सवाल करें कि मैं जहन्नम की आग झेलने के बर्दाश्त कर सकता। ये वो आग जो दुनिया के एतबार से हल्की तरीन आग और दुनिया की तेज तरीन आग के बारे में अल्लाह ने फरमाया नारुल्लाह मुकद्दर, वो अल्लाह की भड़काई हुई आग उसके मुकाबले में दुनिया की आग 70 गुना ठंडी की थी, वो अल्लाह की आग नारुल्लाह मुकद्दर। और हम बड़ी आसानी से कह देते क्या हो गया, बिलाखिर तो जन्नत में ही जाना है, यकीनन जाना है। लेकिन वो जहन्नम के जिसके बारे में कुरान कहता है कि जो थोड़ा ठहरने के लिए और मुस्तकिल ठहरने के लिए इंतहाई बुरी जगह है, इंतहाई बुरी जगह, और हम बड़े धड़ल्ले के साथ कह देते हैं बिलाकर जन्नत में तो चले जाए, तो दुनिया के भी मजे लूट लो फिर जन्नत में चले जाए। ऐसी ना इंसाफी, वो बेचारा जो दुनिया के अंदर अपने आप को हलाल पर रोकने के चक्कर में फाकों में जिंदगी गुजार गया। इमामुल अंबिया कई कई रातों तक जिनके घरों के अंदर चूल्हा नहीं जलता, जिनकी रिवायात हम पढ़ें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो वैसी मेहनत कर कर चले गए, और हम बड़े इत्मीनान के साथ हराम बोरी भी कर और गए जन्नत में चले गए। ये आवाम के हालात अल्लाह ने बयान फरमाए। ये अक्सरियत उनकी वो है कि जो अनपढ़ है, नहीं जानती किताब को सिवाय झूठी उम्मीदों, बस कुरान को चूम लो, कुरान को चाट लो, कुरान को लटका लो, बस ये कामयाबी के लिए काफी। वही हम इल्ला यज़ुन्नून, ये नहीं है सिवाय बस गुमान के, ये गुमान है जो वो कर रहे हैं, अल्लाह ने वादे कर दिया, ये गुमान है कि जो वो लोग कर रहे हैं, झूठी तमन्नाएं, झूठे सहारे। वो बचा लेगा, वो बचा लेगा, वो बचा लेगा, उसकी शिफा, उसकी शिफा, उसको मदद के लिए, उसको मदद के लिए, मुका करना कराना कुछ नहीं। और दूसरी तरफ उलमा का हाल अल्लाह ने बयान फरमाया फवैलुल लजीना यक्तुबून अलकिताब बिअयदीहिम, बस हलाकत है उनके लिए जो लिखते हैं फतवा अपने हाथों से। सुम्म यकुलून हाजा मिन इंदिल्लाह, फिर कहते हैं ये फतवा अल्लाह की तरफ से है। लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि हासिल करें उनके अवज थोड़ी सी कीमत। यहूद व नसारा फतवा फरोशी किया करते। फतवा फरोशी क्या होती है, किताब को आवाम से दूर कर दो
और अवाम जिससे राजी हो वो अहकामात जारी करो, अवाम भी खुश, नजराने भी जारी, मुर्गे भी कटेंगे, बकरे भी कटेंगे, हार भी पहनाएंगे, पैसे भी मिलेंगे, हम खुश होनी चाहिए, लोग खुश होने चाहिए। आज क्या नजर आ रहा, हजी कैफियत है कि नहीं? यकीनन उलमा हक मौजूद है, तभी तो खैर, उलमा हक ना हो तो फिर दुनिया ही खत्म हो जाए, कयामत बर्पा हो जाए। जब कुल खैर खत्म हो जाएगा, अल्लाह कयामत बर्पा कर देगा। कयामत नेक लोगों पर, हक लोगों पर नहीं आएगी। पहले अल्लाह हक लोगों को उठा लेगा, उसके बाद कयामत बर्पा हो। इसका मतलब है कि उलमा हक मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह तभी दीन के नाम लेवा मौजूद है। लेकिन झाग की सूरत में जो कसरत नजर आती है वो उलमा सू की नजर आती है। धोखा आम को खुश करना, लोग खुश रहे, लोगों की जेब से बस माल निकलता रहे, ऐसी बातें करो जिससे लोग खुश रहे, लोग खुश रहे, ये वो कैफियत है। फिर वो कहते हैं ये फतवा अल्लाह की तरफ से, ताकि हासिल करें उसके बस थोड़ी सी कीमत। अल्लाह भी यहां फरमाता है फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम, सो हलाकत है उनके लिए उसकी वजह से जो लिखा उनके हाथों ने, वैलुल लहुम मिम्मा यकसिबून, और हलाकत है उनके लिए उसकी वजह से जो वो कमाते हैं। वैल है, और वैल हदीस के अंदर आता है जहन्नम की ऐसी घाटी है कि जिससे खुद जहन्नम भी पना मांगती है। और एक और मुकाम पर आता है कि जो ये हरकत करते हैं वो पेटों में आग है कि जो भर रही है, आग है कि जो भर रही है। हक को छुपाना और ना हक के जरिए लोगों को खुश करना और उनसे पैसे बटोरना, अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। और अल्लाह ताला ये जो अहवाल अल्लाह ने बयान किए हैं यकीनन मेरे और आपके लिए, इस हकीकत को अल्लाह वाज़े कर दे, और इस नीयत के साथ, इस अज़म के साथ और इस मेहनत के साथ हम कुरान को पढ़ने वाले बने कि इसके अंदर हम अपने हालात का जायजा लें। यकीनन कुरान को पढ़कर अजर व सवाब भी है, कुरान को पढ़कर ईमान की ताजगी भी है, लेकिन यह कुरान आज हमारी असल सूरत भी दिखाता है। अल्लाह ताला हमें इस कुरान के जरिए अपनी सूरतों का जायजा लेने की तौफीक अता फरमाए और अपने मामलात के अंदर दुरुस्तगी पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसन अल जज़ा।